वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर न सिर्फ पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का हिसाब बराबर किया है बल्कि एक नया इतिहास भी रच दिया है। विराट कोहली ने 117 रन बनाकर वनडे की 50वीं सेंचुरी बनाई तो वही प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में पहली बार 7 विकेट लेकर नया कीर्तिमान रच दिया। लेकिन इसी बीच मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को लेकर दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस की तरफ से किए गए ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ट्वीट की शुरुआत दिल्ली पुलिस की ओर से की गई जहां दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लिखा, हमें मुंबई पुलिस से उम्मीद है कि मोहम्मद शमी ने जो न्यूजीलैंड पर हमला किया है उसे लेकर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जिसका जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने लिखा, दिल्ली पुलिस आप अनगिनत लोगों के दिलों को चुराने के लिए धाराएं लगाना भूल गए हैं और साथ ही आपने अपने सह आरोपियों की लिस्ट भी नहीं दी है। बता दें मुंबई पुलिस का ये इशारा विराट कोहली, शुभमन गिल और केएल राहुल की तरफ था। बता दें न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में शमी ने 9.5 ओवर में 57 रन देकर 7 विकेट लिए हैं। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में 50 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। वर्ल्ड कप में पहली बार किसी भारतीय ने 7 विकेट लिए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच शमी ने कहा, मैं अपने मौके का इंतजार कर रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुझे पहली बार इस वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला जिसका मैंने अपनी टीम के लिए जमकर फायदा उठाया। नमस्कार।